आदेश, जय श्री महाकाल। आज का टॉपिक है माया जाल। पीछे मैंने हीडो लाया था माया जाल की, तो बहुत जनों को समझ में नहीं आया हीडो के बारे में, और कुछ कुछ को समझ में आया। और ये माया जाल जैसा पत्नी पत्नी के पति पत्नी पे झगड़ा होना, अनबन होना, घर में कोई भाई या बहन मांदरी नहीं है, तो उसको खिला पिला के अपने बस में की जाता है कि उससे वशीकरण तो हो जाता है, पर वशीकरण कैसा चलाना चाहिए ये सबसे बड़ी बात है। निश्चित तो खिलाया कोई भी सीखेगा, पर उसको कमांड देना आना चाहिए या कुछ उससे मिलने के बाद उससे कुछ काम करके लेना चाहिए जब वो वशीकरण काम करता है। वशीकरण सबके बस की बात नहीं है। अब बहुत जनों को वशीकरण बोलो तो फ़ोन लगाना, फ़ोन पे उसका मैसेज आना, वैसा वशीकरण होता ही नहीं है। अगर वैसा होता तो मोदी सरकार अपने यहाँ फ़ोन लगा लगा के वश में हो जाते थे, वैसा नहीं होता है। वशीकरण कब होता है, अगर तुमने किसको मोहिनी खिला दिए, ठीक है, मान लो किसको तुमने मोहिनी खिला दिए, अब मोहिनी कैसी काम करती है सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को मालूम नहीं मोहिनी कैसी काम करती है। ठीक है, मोहिनी ऐसी काम करती है, अगर औरत मांदरी नहीं, घर में झगड़ा कर रही है, कोई चीज़ के बारे में तुम्हारे घर में जम रहा नहीं है मियाँ बीवी में, हाँ, तो उसके लिए वो वशीकरण अगर तुमने खिला भी दिए तो उसको काम कैसे करेगी, सबसे बड़ी पहली बात यही है। बहुत जनों को नहीं मालूम, उसको लगता है कि मोहिनी खिलाने के बाद अपना काम बनेगा, वैसा नहीं होता है। मोहिनी बन खिलाने के बाद वैसा काम बनता है नहीं है। पहली बात यही ध्यान रखना चाहिए, मोहिनी चलाती आने चाहिए मोहिनी खिलाने वाले को, ठीक है। अभी मोहिनी अगर किसको खिला दिए तो उसको चलाना कैसी, मान लो एक औरत को अपन ने मोहिनी खिला दिए तो वो बस में हो गई क्या, नहीं हो गई। क्यों नहीं हो गई, कि जब तक तुम उससे कम कुछ काम करके लेते नहीं, जब तक मोहिनी काम नहीं करती, वो तो खा लिया उन्हें, मोहिनी तो खा ली ना उन्हें, तब अपने को उससे काम करके लेना है, किससे, जिसको मोहिनी खिलाए उससे, तो उसको कैसा काम करके लेना है, उसके चेहरे के सामने जाना है, उसको कुछ बात करना है, कमांड बोलते हैं उसको, कमांड देनी। जब कमांड तुम देंगे दूसरे को, जब भी आगे वाला तुम्हारे बस में रहेंगे ना, ठीक है, अगर एक अंदर बेवड़ू को दारू पिला दिए तो वो उसके धुन में रहेगा ना, घर को घर की तो धुन में रहेंगे ना, उसके अंदर बड़बड़ करेंगे। अगर जिसने वो कुछ बात करे जर भाई उसको मार, तो वो मारेंगे बेवड़ा वहाँ जाके। तो वैसा ही ये मोहिनी का असर रहता है कि एक वो दिमाग में कुछ बात अलग चलती रहती है उनके, फन कमांड देने वाले के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो क्या कमांड दे रहा है उसके ऊपर। अगर औरत की खिला दिए तो औरत ने क्या क्या सुनना उसकी बात, घर में झगड़ा नहीं करना, बहुत सारी ऐसी बातें आते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ लगती है उसको खिलाने के लिए, तो जब वो कब उमरेंगी। ऐसा नहीं कि उसको खिला दो और तुम चल जाओ बाद में, मोहिनी काम नहीं करती साली। अरे मोहिनी कैसी काम करती कि उसकी पहले जानकारी निकालो, मोहिनी किसकी तरफ काम करती, कैसे काम करती, उसके लिए क्या कमांड देना पड़ती, क्या क्या कमांड देना पड़ती, ये सब आपको करना है ना। अगर तुम टीवी के सामने रिमोट लेके जाएंगे जब भी टीवी ऑन होंगे ना, नहीं, जब तुम टीवी के सामने बैठ के रिमोट को दबाएंगे तो टीवी ऑन होंगी, और रिमोट को दबाने के बाद चैनल बदलेंगे, है ना, तो वैसे ही से मोहिनी काम करती। जब तक तुम उसके सामने कुछ कमांड नहीं डालेंगे जब तक वो चैनल नहीं बदलती, ध्यान रखना मेरी बात, ये काम की बात बताया मैंने आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मैं हीडो डालने वाला हूँ मोहिनी के बारे में, वशीकरण के बारे में, और ये माया जाल के बारे में, इसके बाद एक हीडो आने वाला है वो भी देख लेना।